आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरीबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण। और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं, इतने यहां हैं, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पांच जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,
जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं।